हेलो दोस्तों, फाइनली बजाज कंपनी ने जो है दोस्तों NS200 को हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट में न्यू अपडेट्स के साथ लॉन्च कर दिया है। तो अगर आप भी जो है दोस्तों 2024 में 200cc सेगमेंट में एक नेकेड बाइक परचेस करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 रीजंस बताने वाला हूँ क्यों आपको NS200 को 2024 में कंसिडर करना चाहिए और क्यों आपके लिए NS200 जो है एक बेस्ट बाइक होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ और इस बाइक में दोस्तों क्या क्या अपडेट्स वगैरह आया है उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रीजन की अगर बात करें दोस्तों, अब जो है इस बाइक में आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिल गया है। बजाज कंपनी जो है दोस्तों अभी अपने पल्सर सीरीज में डिजिटल मीटर कंसोल को ला रही है। कुछ दिन पहले जो है N160 और N150 में भी जो है आपको डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिला, अब जो है NS सीरीज में भी जो है डिजिटल मीटर कंसोल आ गया है। तो इसके मीटर कंसोल में जो है दोस्तों फीचर्स आपको भर भर के मिलता है। टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी जो है इसके मीटर कंसोल में दिया गया है। स्मार्टफोन कनेक्टिविटी का फीचर्स दिया गया है। आप इसमें जो है कॉल अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट को देख सकते हैं, बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं और इसमें जो है आप रियल टाइम माइलेज को देख सकते हैं, गियर पोजीशन इंडिकेटर को देख सकते हैं, RPM मीटर को देख सकते हैं, टाइम देख सकते हैं, रियल टाइम माइलेज को देख सकते हैं, डिस्टेंस टू एम्प्टी देख सकते हैं। काफ़ी सारा फीचर्स जो है दोस्तों इसके मीटर कंसोल में आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है और काफ़ी एडवांस लेवल का जो है आपको इसमें मीटर दिया गया है। देखने में भी जो है दोस्तों काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। अब दूसरे रीजन की अगर बात करें दोस्तों, तो इस बाइक में आप जो है आपको ऑल LED लाइट्स का सेटअप दिया गया है। इसमें आपको जो है इंडिकेटर भी LED में कंपनी प्रोवाइड कर रही है 2024 मॉडल में और इसका हेडलाइट भी जो है कम्प्लीटली अपग्रेड कर दिया गया है। आपको जो है फुल LED लाइट का सेटअप मिलता है। लुक्स के साथ जो है दोस्तों चेंजेस नहीं किया गया है, लुक्स आपको जो है सिमिलर मिलता है। सिर्फ हेलोजन लाइट के सेटअप को कंपनी ने रिमूव कर दिया है और LED लाइट का सेटअप जो है आपको प्रोवाइड कर दिया है, जो कि देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। और इसका लुक जो है थोड़ा डोमिनर 400 से सिमिलर लग रहा है, जो कि डोमिनर 400 में आपको हेडलाइट का लुक मिलता है, सेम आपको जो है इसमें लुक कंपनी प्रोवाइड कर रही है, तो देखने में काफ़ी एग्रेसिव लग रहा है। अब तीसरे रीजन की अगर बात करें दोस्तों, तो इस बाइक का सेफ्टी, इस बाइक में आपको जो है डुअल डिस्क ब्रेक के साथ डुअल चैनल ABS का सपोर्ट मिलता है, जो कि दोस्तों इस बाइक में आपको ब्रेकिंग का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर मिलने वाला है। फोर्थ रीजन की अगर बात करें दोस्तों, तो इस बाइक का लुक्स, फ्रंट में जो है दोस्तों आपको इस बाइक में USD सस्पेंशन मिलता है, रेयर में जो है आपको नाइट्रॉक्स मोनो सस्पेंशन दिया गया है, जिसका कि दोस्तों परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। USD सस्पेंशन के वजह से दोस्तों इस बाइक का लुक भी जो है काफ़ी एग्रेसिव हो गया है, तो लुक के साथ भी जो है दोस्तों आपको इस बाइक में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होगा। काफ़ी नेक्स्ट लेवल जो है आपको इस बाइक में लुक मिलता है। मुझे पर्सनली भी जो है दोस्तों NS200 का लुक काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। अब इसके फिफ्थ रीजन की अगर बात करें दोस्तों, तो इस बाइक का इंजन और परफॉर्मेंस, बाइक में जो है आपको 199.5cc का लिक्विड कूल्ड BS6 फेस्ट वाला इंजन दिया गया है, जो कि दोस्तों 24.13 BHP का पावर जनरेट करता है, 18.74 Nm का जो है टॉर्क जनरेट करता है। टॉप एंड भी जो है दोस्तों आपको बाइक में काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। इनिशियल पिकअप भी जो है दोस्तों बाइक में आपको नेक्स्ट लेवल मिलेगा। 6 स्पीड का गियरबॉक्स का सेटअप दिया गया है। माइलेज के बारे में अगर बताऊँ दोस्तों, तो इस बाइक में आप जो है 36 KMPL तक का माइलेज निकाल सकते हैं। अब जो है दोस्तों फाइनली इस बाइक के प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं, तो इस बाइक में जो है दोस्तों आपको दो वेरिएंट का ऑप्शन मिलता है, सिंगल चैनल ABS और डुअल चैनल ABS। अगर आप इसके जो है सिंगल चैनल ABS को परचेस करते हैं, तो उसका ऑन रोड प्राइस जो है दोस्तों 1,73,000 के अप्रॉक्स में रहेगा, जो कि दोस्तों बजाज कंपनी ने अभी तक इस बाइक का प्राइस रिवील नहीं किया है। काफ़ी सारा बाइक में अपडेट्स हुआ है, उसके बाद जो है अभी तक प्राइस निकल के नहीं आया है, तो आप जो है अप्रॉक्स में मान सकते हैं इस बाइक का प्राइस जो है 2,000 से 3,000 रुपये इंक्रीज़ होने वाला है। तो सिंगल चैनल ABS वाला अगर वेरियंट आप लेना चाहते हैं, तो 1,73,000 के अप्रॉक्स में जो है इसका ऑन रोड प्राइस रहने वाला है, और डुअल चैनल ABS वाले मॉडल का प्राइस जो है दोस्तों 1,83,500 के अप्रॉक्स में रहने वाला है। तो इस बाइक के बारे में जो है दोस्तों आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोग जो है एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। अगर 2024 में आप अगर प्लान कर रहे हैं 200cc सेगमेंट में एक बाइक परचेस करने का, तो क्या आप जो है NS200 को खरीदना चाहेंगे या फिर नहीं खरीदना चाहेंगे, उसके बारे में भी आप लोग जो है एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता दें। तो चलिए फिर दोस्तों अब इस वीडियो को जो है यहीं पर एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।